हाँ जी सारों सत श्रीकाल जी, तो स्वागत करते सज्जनों ताडे एक होर नवी वीडियो दे विच। ते अज दी वीडियो दे विच सज्जनों आपां गल करांगे परसनल सपोर्ट वर्कर दी जॉब असीं किवें ले सकदे आ। ते इहदे लई मैं ताडे नाल पंज टिप्स शेयर करूँगा जिन्हां नूं तुसीं अपलाई करके ये जॉब ले सकदे आ। इहदे लई आपां पहलां गल करांगे कोर्स किहना लई जरूरी आ, फिर आपां गल करांगे रेफरेंस लैटर बारे, फिर आपां गल करांगे रेज्यूमे तुसीं किद्दां दा तैयार कर सकदे आ, इंटरव्यू विच पुछे जाण वाले सवाल तुहानूं किहड़े हो सकदे आ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कि जो तुम्हें ये चाहिए चाहिए है। चैनल तो नवे हैं, चैनल में कर दौ सबसक्राइब, वीडियो में कर दौ लाइक। तो आज हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। गल करते हैं कोर्स की। यह कोर्स अजक बड़ा चल रहा इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भी 8 मंथ का कोर्स आ, 10 मंथ का कोर्स आ, कर लो पी एन पी टारगेट कर लो, इदा का कुछ नहीं गा। हर एक बंदे ये कोर्स कर जरूरत नहीं गी। जेकर बैकग्राउंड मैडिकल के ना रिलेटड आ, यानी कि तुम इतने कैनेडा के हैल्थ हुल्थ वगैरह का कोई कोर्स लेके आए हैं, तो तुम्हें जरूरत नहीं गी ये कोर्स कर। कोर्स कर जरूरत सिर्फ उन्होंने आ जिहड़े इत्थे बिजनेस डिप्लोमा लैके आए, जिन्हां दा मैडिकल दे नाल कोई लेना देना नहीं गा, उन्हां नूं ही ये जरूरत है कोर्स करन दी। ते जेकर सज्जनों ये कोर्स असीं करदे आं ते उहदे नाल की आ, उहदे नाल साडी ओल्ड एज होम दे विच इक वधिया इंप्रैशन पै जांदा, क्योंकि साडे कोल इक लाइसेंस आ जांदा वा। ये कोर्स करन दे नाल इही बेनीफिट आ, अदरवाइज़ ये कोर्स करन दी जरूरत नहीं गी। जिदा हुण जे कोई बिजनेस लैण वाला भी आ, उहदा जे कोई खास कोई फ्रेंड कोई रिश्तेदार ऑलरेडी ओल्ड एज होम दे विच जॉब कर रहा वा, वो भी एक रेफरेंस के नाल बिजनेस डिप्लोमे वाले नूं ये जॉब दवा सकदा विदाउट कोर्स। ये एक रियलिटी आ, सच है। उदा सज्जनों ये कोर्स हुंदा आ 8 मंथ का, इहदी फीस भी जिहड़ी हुंदी आ $8,000 हुंदी आ। ते इहदी जिहड़ी कोर्स करन तो बाद जॉब लगन तो बाद अपनी पे रेट लगती है, वह लगती है $28 तो लैके मैक्सीम $40 तक अपनी पे रेट जा सकती है। जिदा जिदा एक्सपीरियंस हो गया उवें उवें अपनी पे वधी जानी है। तो हुण सज्जनों आपां गल करदे आ सैकेंड टॉपिक की, यानी कि रेफरेंस की। रेफरेंस सज्जनों आपां पाउणी आ थोड़ी जी हाई लैवल की, यानी कि जिहड़े कॉलेज तो तुसीं स्टडी कीती है तुसीं अपने प्रोफेसर की रेफरेंस पा सकते हैं, जां फिर तुसीं आपदा जिथे काम कर रहे हैं अपने इंपलॉयर की रेफरेंस पा सकते हैं, जां फिर कोई तुहाडा फ्रेंड ऑलरेडी ये जॉब कर रहा तुसीं उहदी पा सकते हैं, तो जां फिर कोई फ्रेंड तुहाडा ऑलरेडी कोई हेल्थ केयर दे विच जॉब कर रहा, यानी कि RN आ कोई असिस्टेंट आ कोई ECE दी जॉब कर रहा, उन्हां दी पवा सकदे आ। सो रेफरेंस थोड़ी जी हाई लैवल दी पावांगे तो एक अपने ते वधिया इंप्रैशन पैंदा आ। ते अपने बंदे की करदे, अपने बंदे रूममेट दी जिहदे नाल आपां सौ रहे हुंदे आ उहदी ही रेफरेंस पवा लैंदे आ, तो उहदे नाल इक अपने ते ना माड़ा इंप्रैशन पैंदा, सो वधिया वी लगदा उहनां नूं। सो रेफरेंस जिहड़ी पवाउणी आ थोड़ी जी हाई लैवल दी। तो हाँ जी सज्जनों हुण आपां गल करदे हां तीसरे टॉपिक की, यानी कि रेज्यूमे की। रेज्यूमे तुसीं आ स्क्रीन दे उत्ते साइड ते आउंदा होणा वा, तुसीं देखो मेक श्योर तुसीं इदां दा ही रेज्यूमे बनाउणा आ। इहदी जिहड़ी फोटो कॉपी आ उह कलरफुल तुसीं कढाउणी आ, ते आपदी जिहड़ी तुसीं प्रोफाइल आ आपदी फोटो उह जरूर ऐड करनी ही करनी आ। इहदे नाल की आ इक अपना वधिया इंप्रैशन पैंदा वा। जेकर हुण उहनां दे टेबल दे उत्ते 10 रेज्यूमे पए आ, तुहाडा जिहड़ा रेज्यूमे आ उह अड दिखूगा, तो जिहदे नाल की तुहाडे ते इक वधिया इंप्रैशन पाऊगा। तो 90% चांस आ तुहाडा रेज्यूमे देख के ही वह तुहानू इंटरव्यू लई बुलाउणगे ही बुलाउणगे। सो रेज्यूमे सज्जनों तुसीं इदां दा तैयार कर सकदे आ। इह इक मैं छोटी जी एग्जाम्पल दित्ती है तुहानू, जेकर तुसीं होर कुछ भी स्किल इहदे विच ऐड कर सकदे आ तो जरूर करो। हाँ जी, तो हुण सज्जनों आपां गल करदे आ चौथे टॉपिक्स की, यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चन की। सो पहले नंबर पर आपां नूं ओ इहे ही सवाल पुछदे आ वी तुसीं ये जॉब क्यों करनी चाहुंदे हो। सो इहदे लई आपां उहनां नूं रिप्लाई दे विच ये फील कराउणा वा वी असीं ये जॉब PR दे लई नहीं कर रहे, साडा इंट्रस्टड आ, असीं इस फील्ड दे विच आउणा चाहुंदे आ, तां ही ये जॉब असीं कर रहे हां। ते जेकर इदूं वधिया वी तुसीं रिप्लाई कर सकदे आ तो वो जरूर करो। मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ा सवाल वो आपां नूं पुछदे ही पुछदे आ भी तुहाडे कोल सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग्स की आ, जिहदे ते आपां रिप्लाई कर सकते हैं। जेकर आपां कोर्स कीता वा तो आपां वह लाइसेंस दिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपां अपनी फर्स्ट एड एंड CPR का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। कैनेडा की PCC होगी, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट हो गया,
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-1-2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜਣੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5ਵੇਂ ਟਿਪਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਐਂਡ CPR ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PCC ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘੁਮਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ 5 ਜਾਂ G ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਵੱਡਾ ਐਡ ਕਰੋ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਐਡ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣੋ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।